जय हिंद एवरीवन। गुड आफ्टरनून। लाइव सेशन के लिए सभी लोग जुड़ते आइए। कम फास्ट जो भी जुड़ते जा रहे हैं थम्स अप करते जाएं। जी यशवंत सागर जी जय हिंद। आवाज़ क्लियर आ रही है? थम्स अप करते जाइए जो भी जुड़ते जा रहे हैं। ये सेकंड सेशन है क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ 3 to 4 PM। सभी लोग ऐड होते जाएं, जल्दी से जुड़ते जाएं सभी लोग। फिर सेशन स्टार्ट करेंगे अपन। जी यशवंत जी जय हिंद। शिवम जैन जय हिंद। जय हिंद शिवम जी। चलिए लोग जुड़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं सभी लोग। और क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस क्वालिटी के डिस्कस किए हुए थे। जी शिवम जैन जय हिंद। शिवम जैन जी। जी अभिषेक जी जय हिंद। जय हिंद। चलिए आज अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स रिलेटेड, संविधान के आर्टिकल जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे और साथ ही कोरिलेट भी करेंगे, जोड़ते भी जाएंगे उनको, कोरिलेट भी करते जाएंगे। सारे क्वेश्चंस जो भी रहेंगे कोरिलेट भी करना है और आंसर्स भी देना है। ऑप्शंस मैं आपको दूंगा और ऑप्शंस के साथ आपको आंसर्स भी देना है और साथ ही मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। यदि किसी को भी कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट्स कर सकता है, डाउट क्लियरेंस भी होगा। जी राज मिश्रा जी जय हिंद। जी पांडे जी फैन स्लो करना है। ओके ओके मैं स्लो करता हूँ फैन। जी आवाज आ रही है सभी को? फैन स्लो कर दिया है। जी अमित जी, शिवम पटेल जी जय हिंद। विवेक पांडे शिवम जी जय हिंद। शिवम सेन जी जय हिंद। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं अपन, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस और इसके बाद ऑप्शंस और देन आपको आंसर्स देना है। फिर उसके बाद ठीक है एक्सप्लेनेशन भी मैं शॉर्ट रूप में करूँगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, दीपक द्विवेदी जी जय हिंद, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस दिन अपनाया गया था? किस दिन अपनाया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शंस हैं 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950। ये ऑप्शंस हैं भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1949 या 24 जनवरी 1950। विवेक पांडे जी का आंसर आ चुका है 26 नवंबर 1949। शिवम जैन जी आंसर दे रहे हैं 26 जनवरी 1950। यशवंत सागर जी आंसर दे रहे हैं ए। आकांक्षा गुप्ता जी का आंसर ये आ रहा है। रूपलाल जी का आंसर नहीं आया। रूपलाल जी जय हिंद। आंसर फास्ट शिवम सेन ये आंसर दे रहे हैं 26 नवंबर 1949। अपर्णा सोनी जी आंसर दे रही हैं 26 नवंबर 1949। शिवम जैन आंसर दे रहे हैं 26 जनवरी 1950। अभिषेक साहू जी आंसर दे रहे हैं 26 नवंबर 1949। चलिए मैं आंसर रिलीज करता हूँ। भारतीय संविधान
को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। देखिए तीन क्वेश्चंस एक साथ। अवनीश जी, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन क्वेश्चंस यहां पर मैंने किया हुआ है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 ये लागू होने की डेट है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और इसे अपनाया। हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो लास्ट में होता है एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जी ललित जी, 26 नवंबर 1949 राइट आंसर है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और उसी दिन अपना लिया गया और उसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की कितनी वीटो शक्तियों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की कितनी वीटो शक्तियों का उल्लेख किया गया है? नंबर ऑफ वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो शक्तियों का उल्लेख किया गया है? वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, नंबर ऑफ वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट भारतीय संविधान में ऑप्शंस हैं 4, 3, 2, 5। ऑप्शंस हैं 4, 3, 2, 5। जी विवेक साहू जी का आंसर 3 आ रहा है, निधि दुबे जी का आंसर 3 आ रहा है, विवेक पांडे से हम आंसर दे रहे हैं 4, अलंकृति श्रीवास्तव जी का आंसर 3 आ रहा है, शिवम सेन जी का आंसर 3 आ रहा है, यशवंत सागर जी का आंसर 3 आ रहा है, गंगा जी का आंसर 3 आ रहा है, यशवंत सागर जी आंसर 3 दे रहे हैं। चलिए मैं आंसर रिलीज करता हूँ। भारतीय संविधान में, अवनीश जी का आंसर 3 आ रहा है, भारतीय संविधान में प्रेसिडेंट के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियों का उल्लेख किया गया। इंडियन प्रेसिडेंट, यूएसए प्रेसिडेंट के पास 4 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति इंडियन प्रेसिडेंट, अब चूंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो इंडियन प्रेसिडेंट ही बोलेंगे, तो भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। मैं नाम भी आपको बता दे रहा हूं वीटो शक्तियों के, निलंबनकारी वीटो, जेबी या पॉकेट वीटो, और तीसरा है आपका अत्यांतिक वीटो, सस्पेंसिव वीटो, जेबी और पॉकेट वीटो, और थर्ड है आपका एब्सोल्यूट वीटो। ये इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। चूंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइप्स ऑफ वीटो पावर्स हैं, देन यूएस प्रेसिडेंट के पास 4 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। यूएस प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो शक्तियों के अलावा चौथी वीटो शक्ति होती है विशेषित वीटो शक्ति, क्वालिफाइड वीटो जिसे बोलते हैं। अंकिता जी, इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं, जैसे कि नाम बताया मैंने, निलंबनकारी वीटो, जेबी और पॉकेट वीटो, और तीसरा आपका अत्यांतिक एब्सोल्यूट वीटो इंडियन प्रेसिडेंट। देखिए संविधान की मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का लकी नंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 3। संविधान का लकी नंबर, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिए इस वर्ड को जो मैं बोलने जा रहा हूँ, संविधान का लकी नंबर 3। यदि संविधान में कोई भी टाइप्स पूछा जाता है, प्रकार पूछा जाता है, ये सभी के लिए बिल्कुल ये ट्रिक्स है, सभी लोग बिल्कुल इसे माइंड कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन में यदि टाइप्स पूछे जाते हैं, टाइप्स किसी भी चीज़ के टाइप्स पूछे जाते हैं, प्रकार, जी प्राची जी हेलो, कॉन्स्टिट्यूशन में यदि किसी भी चीज़ के टाइप्स प्रकार पूछे जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 3 मिलेंगे। बाय एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, लाइक जैसा कि अभी डिस्कस किया अपन ने, वीटो पावर्स 3 टाइप से,
वीटो पावर्स 3 टाइप्स हैं, आपातकालीन शक्तियाँ या आपातकालीन प्रावधान कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। संसद के सत्र 3 होते हैं। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट चीज़ याद रखिएगा, टाइप्स आपको 3 मिलेंगे, 3 ऑलमोस्ट 3 टाइप मिलेंगे। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का लकी नंबर 3 है। और यदि आपको नहीं मालूम है, पूछा जाता है कि आपातकालीन प्रावधान कितने प्रकार से हैं, तो 3 प्रकार से। प्रकार वर्ड आया, ऑलमोस्ट आप 3 पे जाएंगे। संविधान का लकी नंबर 3 है। और जहाँ पर भी टाइप्स की बात होगी, संविधान में प्रकार की बात आती है, तो वहाँ पर आपको जाना है ऑलमोस्ट 3 प्रकार। वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार से, आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार से, 3 प्रकार के आपातकाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्ड जोड़े गए, कितने वर्ड जोड़े गए, 3 वर्ड जोड़े गए। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। संविधान के प्रकार कितने प्रकार का होता है संविधान, वो भी 3 प्रकार का होता है, लिखित अलिखित, कठोर लचीला, संघात्मक और एकात्मक। तो यहाँ पर 3 कॉन्स्टिट्यूशन का ये लकी नंबर है, सभी लोग बिल्कुल माइंड कर लें इसे, लकी नंबर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लकी नंबर 3 है। और प्रकार की यदि बात आती है, तो ऑलमोस्ट जगह पर आपको 3 आंसर देना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक संघात्मक देश है, राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट मीन्स भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, नॉट स्टेट यूनियंस, स्टेट्स यूनियन, ठीक है, याद रखिएगा। भारत राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 में लिखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की सरकार है, केंद्र में केंद्र सरकार और राज्यों में राज्य सरकार। गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, गवर्नमेंट्स के भी कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स में गवर्नमेंट काम करती है, 3 पार्ट्स में गवर्नमेंट काम करती है। सभी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, अभी क्वेश्चंस मैंने रोक दिए हैं, थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन मैं क्वेश्चंस करूँगा। प्राची जी बेटा, आपातकालिक प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं यहाँ पर, और आपातकालिक प्रक्रिया जो है 1935 के भारतीय संविधान का प्रारूप है, लेकिन आपातकाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होगा वो जर्मनी, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं जी, ठीक है। तो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था कि अपने यहाँ पर केंद्र में केंद्र की सरकार और राज्य में राज्य की सरकार होती है। सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार 3 अंगों के सहारे काम करती है। एक आपका विधायिका, एक आपका कार्यपालिका और एक आपका न्यायपालिका। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव बॉडी, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी, और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी बॉडी। वो केंद्र में भी है, केंद्र सरकार के भी 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और वही राज्य में भी, राज्य में भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, राज्य सरकार में भी। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आर्टिकल से रिलेटेड हैं, और मैं उनको जोड़ूंगा, रिलेट भी करूँगा, तो आपको आर्टिकल लर्न होंगे, याद होंगे। क्वेश्चंस हमें करना है, लेकिन आर्टिकल हमें लर्न होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्र में कार्यपालिका का हेड, केंद्रीय कार्यपालिका के 2 हेड होते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी के 2 हेड होते हैं, एक प्रेसिडेंट और एक काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री केंद्र में। तो केंद्रीय कार्यपालिका के 2 प्रमुख हैं, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री। लेकिन केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, और वास्तविक प्रमुख कौन, मंत्री परिषद होती है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं,
प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? इन विस आर्टिकल, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? ऑप्शन से आपके आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 51, आर्टिकल 40। आंसर्स प्लीज। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52, 53, 51। यशवंत जी आंसर दे रहे हैं 52 आर्टिकल। विवेक पांडे शिवम जी आंसर दे रहे हैं 52। आकांक्षा गुप्ता जी आंसर दे रही हैं आर्टिकल 52। अलंकृति श्रीवास्तव जी आंसर दे रही हैं 5, ओनली 5 बेटा, 5 क्यों लिखा है आपने? विवेक पांडे शिवम आंसर 52। निधि दुबे जी आंसर 52, आर्टिकल 52 वामन। अलंकृति श्रीवास्तव जी 52 आर्टिकल। चलिए आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। भारतीय राष्ट्रपति के पद का प्रावधान आर्टिकल 52 में किया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जी अवनीश जी, जी अपर्णा जी, आर्टिकल 52 सभी का राइट आंसर। जी जी बिल्कुल जी 52 गंगा जी, विवेक साहू जी 52, अमित जी 52 राइट आंसर है सभी का। अब देखिए केंद्रीय कार्यपालिका की हमने बात की थी। केंद्रीय कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है और केंद्र में वास्तविक प्रधान होती है कौन? मंत्रिपरिषद। चलिए अब हम राज्य की ओर आते हैं। राज्य सरकार, राज्य सरकार भी तीन अंगों के सहारे काम करती है। मैंने बोला ना, सरकार चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, तीन अंग होंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। वो केंद्र में भी होगा और राज्य में भी। केंद्रीय कार्यपालिका की बात की, मैंने आपको बताया केंद्रीय कार्यपालिका के दो प्रमुख, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री। जी अलंकृत जी कोई बात नहीं। अब यहां पर हम राज्य की बात करते हैं। राज्य कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, राज्यपाल गवर्नर और राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य में कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद। और राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो यहां पर हम बात करेंगे राज्यपाल के पद का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। राज्यपाल के पद का प्रावधान किस आर्टिकल अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 153 153, आर्टिकल 152 152, आर्टिकल 155 और आर्टिकल 157। राजेश जी 164, तो मैंने ऑप्शन सी नहीं दिया है, मैंने क्वेश्चंस किया है। राज्यपाल के पद का, राज्यपाल यानी कि गवर्नर के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 153 152 155 157। विवेक पांडे शिवम आर्टिकल 153 ये लिख रहे हैं, 101 गुना बड़ा होता है प्रेसिडेंट से। यशवंत सागर जी 152 आंसर दे रहे हैं 152। गवर्नर के पद का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? विवेक साहू जी आंसर दे रहे हैं 152। अब देखिए सभी लोग एक पेपर और एक पेन लेके बैठ जाइएगा, सभी लोग एक पेपर लेंगे। अंकिता जी आंसर दे रही हैं 153, देव साहू जी आंसर दे रहे हैं 152, शिवम सेन का आंसर आ रहा है आर्टिकल 152, अवनीश जी आंसर दे रहे हैं 152। सभी लोग एक पेपर और एक पेन लेकर के बैठिए। प्राची जी का आंसर है 153। पेपर और पेन है सभी के पास? थम्स अप करें जिनके पास पेपर पेन है। जल्दी से मैं कुछ बताने जा रहा हूं और बिल्कुल आपको रिलेट करके लिखना है, आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा। अपर्णा जी आंसर दे रही है 153। चलिए आंसर मैं रिलीज करता हूं। राज्यपाल के पद का प्रावधान आर्टिकल 153 में है, 153 में है, 153। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153 देयर विल बी अ गवर्नर इन स्टेट। जी सीमान सिंह जी आर्टिकल 153। अब देखिए आप लोग पेपर में एक तरफ केंद्र सरकार और दूसरी तरफ राज्य सरकार, ऐसे लिख लीजिए। आकांक्षा जी 153 आर्टिकल, 152 नहीं है बेटा, 153 है, 153। आप लोग पेपर में एक तरफ केंद्र सरकार और दूसरी तरफ राज्य सरकार, और अब केंद्र सरकार के नीचे साइड में कार्यपालिका, कार्यपालिका, और यहाँ पर आप लिखिए प्रेसिडेंट केंद्र में और राज्य में लिखिए गवर्नर।
अब आप डायरेक्टली याद रखिएगा, 52 में प्रेसिडेंट है और 153 में गवर्नर है, दैट मीन्स प्रेसिडेंट गवर्नर से 101 गुना बड़ा होता है। अब याद रहेगा आपको, 101 गुना बड़ा होता है प्रेसिडेंट, याद रहेगा ना सभी को। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट है और 153 में गवर्नर है, दैट मीन्स 52 में आप 101 ऐड करेंगे। निधि जी बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप एक तरफ प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ गवर्नर लिख लीजिए, एक तरफ प्रेसिडेंट और एक तरफ गवर्नर लिख लीजिए। प्रेसिडेंट के यहाँ पर आर्टिकल 52 और गवर्नर के यहाँ पर आर्टिकल 153, आपको मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट गवर्नर से 101 गुना बड़ा होता है, तो 52 में आप 101 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 153। अब डायरेक्टली आपको लर्न हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे। समझ में आया सभी को, क्लियर हुआ? आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट और 153 में कौन है, गवर्नर है, दैट मीन्स प्रेसिडेंट गवर्नर से 101 गुना क्या होता है, बड़ा होता है, हमें याद रखना है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से केंद्र में विधायिका का स्वरूप संसदात्मक है, पार्लियामेंट्री है, केंद्र में विधायिका के रूप में संसद है और राज्यों में विधायिका के रूप में विधानमंडल है, विधानमंडल, तो केंद्र सरकार के नीचे आप संसद लिखें और राज्य सरकार के नीचे आप लिखें विधानमंडल। केंद्र सरकार के नीचे लिखिए आप लोग, केंद्र सरकार के नीचे संसद लिखेंगे, विधायिका में संसद, और राज्य की विधायिका में आप लिखेंगे विधानमंडल। सुने सभी लोग, थम्स अप करते जाइए जो लोग भी सुन रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर भी देना है, मैं आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूँ ताकि आपको ये लर्न हो जाएगा, इजीली रिलेट करेंगे आप। ओके, चलिए अब देखिए, पार्लियामेंट, भारतीय संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, भारतीय संसद, भारतीय संसद का प्रावधान किस आर्टिकल में है, संसद, इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, आर्टिकल 69, आर्टिकल 79, आर्टिकल 89, आर्टिकल 99। भारतीय संसद का प्रावधान किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 69, आर्टिकल 79, आर्टिकल 89, आर्टिकल 99। आंसर्स प्लीज फास्ट। आंसर्स प्लीज, भारतीय संसद का प्रावधान किस आर्टिकल में है, आंसर बताइए। ऑप्शन से आपके सामने, 69, 79, 89, 99। सिमान सिंह जी आंसर दे रहे हैं 79, अलंकृत जी आंसर दे रही हैं 79, प्राची जी का आंसर आ रहा है 79, गंगा जी आंसर दे रहे हैं 79, देव साहू जी आप 179 लिख रहे हो, क्या मिस्टेक कर दिया आपने, 1 ऐड कर दिया। अंकिता जी आंसर 79, सभी लोग 79, ओके राइट, ऑलमोस्ट राइट आंसर। राजेश साहू जी 69, नो राजेश साहू जी 69 आंसर नहीं है, 79 राइट आंसर है, 79 भारतीय संसद का प्रावधान आर्टिकल 79 में है, 79 जी। अपर्णा जी, आकांक्षा जी, निधि दुबे जी 69 नहीं है बेटा, 79 आंसर है राइट आंसर। चलिए अब देखिए, केंद्र में विधायिका का स्वरूप संसदात्मक है और राज्य में विधायिका का स्वरूप विधानमंडल है। अब अपन राज्य की तरफ टर्न करते हैं, राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस आर्टिकल में है, राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस आर्टिकल में है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस आर्टिकल में है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर का प्रावधान किस आर्टिकल में, ऑप्शंस हैं आपके सामने, आर्टिकल 169, आर्टिकल 168, आर्टिकल 170, आर्टिकल 171। ऑप्शन है आर्टिकल 169, आर्टिकल 168, आर्टिकल 170, आर्टिकल 171। आंसर्स फास्ट, आंसर फास्ट। आकांक्षा गुप्ता जी का आंसर 168 आ रहा है, अलंकृति जी का आंसर
169 आ रहा है। आंसर फास्ट प्लीज। अंकिता जी आंसर 168, शैलेंद्र सिंह जी आंसर दे रहे हैं 168, अलंकृत जी आंसर दे रहे हैं 169, देव साहू जी आंसर दे रहे हैं 169, यशवंत सागर जी आंसर दे रहे हैं 168। विवेक साहू जी आंसर दे रहे हैं 168, अपर्णा जी आंसर दे रही हैं 168। चलिए मैं आंसर रिलीज कर दे रहा हूँ, तो 168 इज़ करेक्ट आंसर। राज्य विधानमंडल का प्रावधान आर्टिकल 168 में है। 168 इज़ करेक्ट आंसर। 168 अवनीश जी 169 नहीं है अवनीश जी। राज्य विधानमंडल सीमान सिंह जी, राज्य विधानमंडल आर्टिकल 168, जी एफ सिंह साहू जी 168। चलिए अब देखिए, आपने केंद्र में संसद 79 और राज्य में विधानमंडल, वैशाली जी आर्टिकल 168 है ना कि 169, आर्टिकल 168 राज्य विधानमंडल। अब देखिए 79 में संसद और 168 में राज्य विधानमंडल, दोनों के बीच में जो गैप है, दोनों के बीच में जो गैप है 168 और 79 के बीच में जो गैप है, कितने का गैप आ रहा है? 79 में हम क्या ऐड करेंगे, हमें 168 मिल जाए। 78 में हम क्या ऐड करें, नंबर ऐड करें कि हमें 168 मिले। भारतीय संसद का आर्टिकल 79 है और यदि हम 79 में क्या ऐड करें कि हमें 168 मिले, तो यदि हम 78 में 89 ऐड कर देते हैं, 89 यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 168 मिल जाएगा। दैट मीन्स संसद और राज्य विधानमंडल के बीच में 89 का रिलेशन है। तो अब यहाँ से आप देखिएगा, संसद के कितने सदन होते हैं, दो सदन। संसद के यहाँ पर डैश करके दो सदन लिख दें आप लोग, राज्यसभा और नीचे लोकसभा, राज्यसभा और नीचे लोकसभा लिख दिया सभी ने। भारतीय संसद का प्रावधान आर्टिकल 79 में और संसद के दो सदन, राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन अपर हाउस के नाम से जानते हैं और दूसरा सदन लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस या निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में। 79 में संसद, संसद के दो अंग, राज्य संसद के दो सदन, सॉरी अंग नहीं सदन, टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। क्लियर सभी को? अब इस तरफ आइए आप, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल आर्टिकल 168 में और राज्य विधानमंडल के दो सदन, विधान परिषद, विधान परिषद उच्च सदन और विधान सभा निम्न सदन। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में विधान परिषद हो, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। अब देखिए, आप कंपैरिजन करिए, 89 का रिलेशन लेकर चलेंगे हम, हमने 79 में 89 जोड़ा तो हमें क्या मिला, विधानमंडल 168 मिला हमें जी। देव साहू जी 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। अब 80 में जी राज्यसभा, 80 में 80 में और लोकसभा 81 में। अब ऐसे ही हम राज्य विधानमंडल की ओर बढ़ें, राज्य विधानमंडल की ओर हम बढ़ेंगे, राज्य विधानमंडल के दो सदन, उच्च सदन, राज्य विधान परिषद। हाँ, छह राज्यों में है प्राची जी, बिल्कुल छह राज्यों में है विधान परिषद। तो अभी हम जस्ट समझें, अभी आप आंसर मत दें, अभी थोड़ा समझें जो मैं बताने जा रहा हूँ। 168 विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और उसके दो सदन, राज्य विधान परिषद और विधानसभा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संसद का उच्च सदन, संसद का उच्च सदन राज्यसभा है और राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या है, विधान परिषद। रिलेशन कितना है दोनों के बीच में, 89 का है। तो यहाँ पर राज्यसभा का आर्टिकल 80 है तो 80 में 89 जोड़ेंगे तो 169 किसके लिए हो जाएगा, विधान परिषद के लिए। 169 आर्टिकल विधान परिषद के लिए, और लोकसभा का 81 है और 81 में 89 जोड़ देंगे तो विधानसभा के लिए आर्टिकल कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अंकिता जी विधान परिषद की संरचना दी हुई है 171 में, विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 169 में है जी। अवनीशकांत बढ़ गई हैं जी,
170 में विधानसभा है और 169 में विधान परिषद है, 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन है। थोड़ा सा आप लोग वर्ड्स को समझा करिए। 169 राज्य विधान परिषद, 170 राज्य विधानसभा और विधान परिषद की संरचना 171 में दी है। संरचना अलग है, विधान परिषद का प्रावधान 169 और विधानसभा 170, विधान परिषद की संरचना 171, वो क्लियर है। तो यहाँ पर देखो आपको एक रिलेशन मिला, 89 का रिलेशन मिला, संसद 79 और उसमें 89 जोड़ेंगे तो राज्य विधानमंडल 168, राज्यसभा आर्टिकल 80 और उसमें हम 89 जोड़ेंगे तो 169 में राज्य विधान परिषद, लोकसभा आर्टिकल 81 और उसमें यदि हम 89 जोड़ेंगे तो विधानसभा आर्टिकल 170, 89 का रिलेशन मिल गया आपको। 89 ऐड करके हम यहाँ पर केंद्र और राज्य की विधायिका को स्पष्ट कर सकते हैं। केंद्र की विधायिका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो सदन, राज्य की विधायिका राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के दो सदन, विधान परिषद, विधानसभा, ओके। और 89 का ये जो रिलेशन है, 79 में संसद, 79 में 89 ऐड करोगे तो राज्य विधानमंडल, 80 में राज्यसभा, 89 ऐड करोगे तो 169 में राज्य विधान परिषद, 81 में लोकसभा, 89 ऐड करोगे तो 170 में राज्य विधानसभा। जी, 169 में विधानसभा का गठन, बिल्कुल संरचना का उल्लेख 171 में, जी अंकिता जी, इसलिए आर्टिकल 169 ही क्लियर होगा कि राज्य विधान परिषद को गठित करने का अधिकार राज्य की विधानसभा को है। विधानसभा ये प्रस्ताव पारित करेगी और उसके बाद ये प्रस्ताव पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है। लेकिन विधान परिषद की संरचना किस आर्टिकल में होगी, 171, संरचना क्या होगी वो डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 171 में, ओके। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं अपन। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट होता है, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आंसर फास्ट प्लीज। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, यशवंत सागर जी ने आंसर दिया है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अंकिता जी ने आंसर दिया है महान्यायवादी। आंसर फास्ट सभी लोग प्लीज। यशवंत सागर जी आंसर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अलंकृति जी आंसर दे रही हैं महान्यायवादी। विवेक साहू जी आंसर दे रहे हैं महान्यायवादी। अंकिता जी ने आर्टिकल भी डिस्क्राइब किया 76। यशवंत सागर महान्यायवादी, शैलेंद्र सिंह जी महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल गंगा जी आंसर दे रहे हैं। चलिए आंसर रिलीज करता हूं मैं। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी, फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी होता है और महान्यायवादी के पद का प्रावधान आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल 76 जैसा कि अपर्णा जी ने डिस्क्राइब किया, अंकिता जी ने डिस्क्राइब किया, आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान है और महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, फर्स्ट लीगल ऑफिसर, और प्रेजेंट टाइम में भारत के महान्यायवादी, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं। आंसर फास्ट विदाउट ऑप्शन,
वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं? वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? जी आंसर सही है, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी के पद का प्रावधान आर्टिकल 76 में है। और भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज, आंसर फास्ट प्लीज विदाउट ऑप्शन। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आंसर फास्ट प्लीज। आंसर्स नहीं आ रहे हैं। भारत के वर्तमान महान्यायवादी प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज, चलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। नाम सुना होगा सभी ने, के वेणुगोपाल। पहले महान्यायवादी एम सी सीतलवाड़ थे और वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल जी अपर्णा जी, के वेणुगोपाल वर्तमान महान्यायवादी। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार का जी के वेणुगोपाल, प्रीवियस क्वेश्चंस, वर्तमान भारत के महान्यायवादी हैं। जय हो सर जी, जय हो विमल सर जी, जुड़ चुके हैं। ज्योग्राफी मास्टरमाइंड, हिंदी मास्टरमाइंड सर, विमल सर, बिल्कुल विमल सर भी क्लासेस कंटिन्यूस करेंगे कुछ समय बाद, क्वेश्चंस लेकर आएंगे ज्योग्राफी के, हिंदी के भी। जी के वेणुगोपाल जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ऑप्शंस हैं हाई कोर्ट का चीफ जज, हाई कोर्ट का सीनियर जज, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, महाधिवक्ता और लास्ट ऑप्शन है राज्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आंसर्स हाँ आंसर आ रहे हैं, शैलेंद्र सिंह जी महाधिवक्ता, अंकिता जी महाधिवक्ता जी, आर्टिकल भी अंकिता जी ने दिया हुआ है 165। प्राची जी का आंसर महाधिवक्ता, अंकिता दीक्षित जी आर्टिकल भी दे रही हैं 165 महाधिवक्ता, गंगा जी आंसर दे रहे हैं महाधिवक्ता। चलिए मैं आंसर रिलीज कर दे रहा हूँ, राज्य शासन का प्रथम विधिक अधिकारी, फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज महाधिवक्ता, जिसको हम इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। और यहाँ पर आर्टिकल 165 बिल्कुल क्लियर है, एडवोकेट जनरल जी सिमरन पाठक जी, एडवोकेट जनरल जी विमल सर जी, महाधिवक्ता बिल्कुल जी महाधिवक्ता राइट आंसर है, राइट आंसर जी पूनम शर्मा जी, राइट आंसर है, राइट आंसर। चलिए अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ रिलेट कर रहा हूँ, फिर से वही केंद्र और राज्य की बात आती है, केंद्र और राज्य की बात आई। केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में अपन ने डिस्कस किया, और रिसेंट क्वेश्चन जो था अपना, राज्य शासन का प्रथम विधिक अधिकारी महाधिवक्ता। तो देखिए महान्यायवादी के लिए आर्टिकल 76 केंद्र में कानून का प्रथम अधिकारी महान्यायवादी आर्टिकल 76, और राज्य में कानून का प्रथम अधिकारी महाधिवक्ता आर्टिकल 165। दोनों के बीच में रिलेशन कितना है, दोनों के बीच में रिलेशन कितना है 89 का। देखिएगा 76 में आप 89 ऐड करिए, 76 में आप 89 ऐड करिए, 76 में 89 ऐड करिए, कितना हो रहा है 165। तो ये 89 वाला जो रिलेशन है ऊपर से चला आ रहा है, संसद 79 में, तो राज्य विधानमंडल 168 में, 89 का रिलेशन, लोकसभा आर्टिकल 81 में, तो विधानसभा 170 में, 89 का रिलेशन, 89 का ये रिलेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी को याद रखना है। जिस तरीके से केंद्र में महान्यायवादी आर्टिकल 76 और राज्य में महाधिवक्ता आर्टिकल 165, तो 89 का रिलेशन है, 76 में 89 ऐड करोगे 165 जी। और मध्य प्रदेश राज्य शासन के जो वर्तमान महाधिवक्ता है पुरुषेंद्र कौरव जी अभी हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले ही, ठीक है, उनको सिलेक्ट किया गया है
अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया है। तो राज्य मध्य प्रदेश राज्य शासन के महाधिवक्ता पुष्येंद्र कौरव जी हैं वर्तमान में। बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते आएंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इंपीचमेंट प्रोसेस ऑन द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल जी, प्रसन्न कौरव जी दोबारा बने हैं, इसके पहले भी थे वो, राजेंद्र तिवारी जी की डेथ के बाद शशांक शेखर जी को बनाया गया था। जी प्रसन्न कौरव जी ने रिज़ाइन किया था, गवर्नमेंट चेंज हुई थी जब 2018 में। चलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ, अंकिता जी ने बोला है प्रसन्न कौरव जी ने रिज़ाइन कर दिया था जब कमलनाथ की सरकार बनी थी। प्रसन्न कौरव उस टाइम पर भारतीय मध्य प्रदेश शासन के महाधिवक्ता थे, लेकिन उन्होंने 18 में रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस गवर्नमेंट बनने पर। देन राजेंद्र तिवारी जी को बनाया गया था, राजेंद्र तिवारी जी की डेथ होने के बाद में शशांक शेखर मध्य प्रदेश शासन के महाधिवक्ता बने थे और फिर से अगेन प्रसन्न कौरव जी को बनाया गया है। जी बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। आर्टिकल 61 जो अभी मैंने क्वेश्चंस किया, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आंसर्स यहां पर आ चुके हैं, आर्टिकल 61 विदाउट ऑप्शंस ही आंसर्स आप दे रहे हो। चलिए कोई इशू नहीं है, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन, प्रक्रिया प्रोसीजर क्या होगी, वो प्रोसीजर क्या होगा जिस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा, तो इसका वर्णन, उस पूरी प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? देखो अभी मैंने जो क्वेश्चन किया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है, प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है, आपने आंसर दिया 61, दैट इज करेक्ट। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? विदाउट ऑप्शन आपको आंसर देना है, विदाउट ऑप्शन आंसर देंगे आप लोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है, वो प्रक्रिया का क्वेश्चन था, मैंने पूछा राष्ट्रपति पर। वैशाली जी आंसर आप अभी भी 61 दे रहे हैं क्वेश्चंस। यशवंत सागर जी का आंसर 56 आ रहा है। आंसर फास्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? देव साहू जी का आंसर 56, निधि जी का आंसर 56, आंसर फास्ट, प्राची जी का आंसर 56, अपर्णा सोनी जी का आंसर 56। चलिए मैं आंसर रिलीज करता हूँ, बिल्कुल दैट इज करेक्ट आंसर। आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में। जी अलंकृति जी 56 आंसर करेक्ट। अवनीश जी देखिए आर्टिकल 56 में टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के टर्म्स यानी कि कार्यकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 56 में लिखा है कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण से अपने पद पर 5 वर्ष तक बना रहता है, लेकिन सम कंडीशंस में राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष के पहले भी रिक्त हो सकता है। वो कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस हैं असमय डेथ होने पर, आकस्मिक निधन होने पर, रिजाइन देने पर, और प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है। दो कंडीशन ये हो गई, असमय निधन होने पर, आकस्मिक निधन, सडनली डेथ होने पर, रिजाइन देने पर, प्रेसिडेंट अपना रिजाइन देता है वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को। और तीसरी कंडीशन है संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर। ये 56 में लिखा है, दैट मीन्स जी सर बिल्कुल सही आंसर 56। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 56 के तहत चलाया जाता है, लेकिन संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जी अंकिता जी एक ही बात है। तो यहाँ पर ये कंडीशंस हैं, राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा समय पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो
तो यहाँ पर किस अनुच्छेद के तहत चलता है वो 56 है, और उस प्रक्रिया का वर्णन जिसके तहत हटाया जाता है वो आर्टिकल 61 में डिस्क्राइब है। ओके, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपन। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पर्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पर्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कंटिन्यूअस टुमारो कंटिन्यूअस करेंगे अपन, और बिल्कुल सभी को सेशन अटेंड करना है एवरी डे, बहुत शानदार क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 56, आर्टिकल 55। प्राची जी का आंसर आ चुका है आर्टिकल 72, पर्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। गंगा जी का आंसर आ रहा है 76। पूनम शर्मा जी आंसर 72, गंगा जी ने आंसर चेंज किया 72। शिवान सिंह जी आंसर 72 दे रहे हैं। चलिए देखिए मैं बता दूं, मैं आंसर रिलीज कर दे रहा हूं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पर्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल 72। देखिए याद रखेंगे, बहुत सिंपल है, इजी है याद रखना। कोई भी व्यक्ति बार बार यदि अपराध करता है, घर में ही बच्चे शैतानी करते हैं तो घर के बुजुर्ग लोग जब गुस्सा हो जाते हैं, डांटने लगते हैं तो चिल्ला देते हैं कि इसको 72 बार माफ किया, 72 बार 72 टाइम्स इसको माफ किया, आप नहीं माफ करूंगा। दैट मींस याद रखेंगे क्षमादान 72, आर्टिकल 72, बिल्कुल 72 बार माफ किया, आप नहीं माफ करूंगा, यानी कि 72 आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ठीक है, वर्णित है आर्टिकल 72। ये सभी को बिल्कुल लर्न रखना है, ठीक है। तो आज का सेशन अपन एंड करेंगे, कंटिन्यूअस बिल्कुल लाइव सेशन से जुड़ना है, और हिंदी क्वेश्चंस के लिए भी आपको मालूम है हिंदी क्वेश्चंस, ठीक है, 11 to 12 PM डिस्कशन चलता है, तो वहाँ पर भी आपको सेशन अटेंड करना है, और बिल्कुल घर में बैठकर आराम से इत्मीनान के साथ पढ़ाई करना है। सरकार ने बिल्कुल बोल रखा है लॉकडाउन, तो हम बिल्कुल लॉकडाउन हैं, हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, और प्रशासन सरकार का सहयोग करने के साथ साथ बिल्कुल हमारे पास फ्री टाइम है, ये गोल्डन टाइम हमको मिला हुआ है, बंद कमरे में बैठकर अपनी स्टडी कंटिन्यूस करें, क्वेश्चंस करें, डाउट क्लियरेंस करना है। किसी को क्वेश्चंस में डाउट्स हैं तो वो यहीं पर कमेंट्स में दे सकता है, डाउट क्लियरेंस भी होते जाएंगे। लेकिन हाँ, टॉपिक्स जो पढ़ें उसी के डाउट क्लियरेंस करें, ये नहीं कि हमने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है और हम क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। कोई भी टॉपिक पढ़िए, क्वेश्चंस यदि डाउटफुल लगता है आपको, 3 months का लॉकडाउन हो जाएगा सर जी। प्राची जी अभी की सिचुएशंस देखते हैं क्या हो सकता है, बिल्कुल 3 months का हो या जो भी हो, इस कंडीशंस में हमें गवर्नमेंट के साथ रहना है, और ये सभी की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है हम अवेयर बने, और दूसरों को भी, फैमिली फ्रेंड्स को भी हम अवेयर करें, क्योंकि देखिए बोला जाता है जान है तो जहान है, सिंपल सी बात है कि यदि हम जीवित बचेंगे तो ही आगे कुछ कर पाएंगे। इसलिए सरकार का, प्रशासन का हमें सहयोग करना है, और घर में बैठकर हमें कंटिन्यूअस स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए टुमारो मिलेंगे इसी सेशन के साथ। जय हिंद।